जगह जगह पाद प्रक्षालन को सजेथाल और पूरे नगर में लगते गुरुवर के जयकारे, आंखों में गुरुदर्शन की लालसा और स्वागत को उल्लासित हजारों मन, कुछ यही भाव थे 3 मार्च को चिरमिरी वासियों के। गुणायतन परिणेता मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के आगमन की सूचना जैसे ही इन भक्तों को मिली, भक्त पूरे हर्ष के साथ मुनि संघ के स्वागत और पाद प्रक्षालन को आ गए। गुरुवर के मंगल प्रवेश में नगरवासियों ने भव्य तैयारियां कर रखी थी। पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ गुरुवर का जय घोष करते हुए भक्तों ने मुनि संघ का मंगल प्रवेश नगर में करवाया। दूर से ही दिखते जैन धर्म के पचुरंगे ध्वज और जयकारे चारों ओर गुरुवर के आगमन की सूचना से सभी को उत्साहित कर रहे थे। गुरुवर के स्वागत को उमड़ा भक्तों का सैलाब चिरमिरी वासियों के लिए अभूतपूर्व था। गुरुवर के स्वागत और पाद प्रक्षालन को बड़ी संख्या में भक्तों ने थालियां बिछा रखी थी। रास्ते में हुए भव्य पाद प्रक्षालन को मुनिवर का पदार्पण नगर के श्री दिगंबर जैन मंदिर में हुआ। मंदिर जी पहुंच मुनिवर ने प्रभु के दर्शन किए। प्रभु दर्शन के बाद मुनिवर ने भक्तों को अपनी दिव्य देशना दी। मुनिवर ने भक्तों को कहा कि जिस मनुष्य के हृदय में धर्म की सच्ची श्रद्धा होती है, धर्म आचरण उसकी प्राथमिकता होती है। जिस मनुष्य के हृदय में धर्म की सच्ची श्रद्धा होती है, धर्माचरण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाती है, और ये होना चाहिए। आज चिरमिरी नगर में हमारा पहली बार आगमन हुआ, लेकिन चिरमिरी अपरिचित नहीं रहा। चिरमिरी की जड़ें सब तरफ फैली है। चिरमिरी के लोग मेरे पास समय समय पर आते रहे, और दूर दूर बसे हुए लोग भी आज यहाँ आ गए। अशोक जी आए, हमने कहा चिरमिरी वाले आ गए। ये भोपाल में रहते हैं पर चिरमिरी वालों के नाम से जाने जाते। सब तरफ फैली है, एक धार्मिक नगरी रही है, और वही धार्मिकता का भाव आज आप लोगों में लक्षित भी हुआ, दिखाई भी पड़ा। चिरमिरी वासी तो मुनिवर से मिले संबोधन से अत्यंत उल्लासित थे। गुरुवर का आगमन इन गुरु भक्तों के लिए विशेष आशीर्वाद से कम ना था। जैन फोकस के लिए चिरमिरी छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।